पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। ग्यारह नवंबर दिन सोमवार को गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के लिए झामुमो प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर नामांकन करेंगे। प्रेस वार्ता कर जिला प्रवक्ता धीरज दुबे ने बताया कि 11 तारीख को रामा साहू स्कूल के मैदान से रैली के माध्यम से गढ़वा समरणालय पहुंचकर मिथिलेश ठाकुर नामांकन करेंगे। श्री दुबे ने कहा कि जनता इस बार बड़ा बदलाव चाहती है। बदलाव लाने के लिए भाजपा को हटाना पड़ेगा। भाजपा को हटाने के लिए गठबंधन कर सीएम के रूप में हेमंत सोरेन को अब जनता देखना चाहती है। आदरणीय दिशोम गुरु श्री सुबे सोरेन, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी गढ़वा पर विश्वास जताते हुए और पूर्व प्रत्याशी सह केंद्रीय महासचिव आदरणीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के मेहनत और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को देखते हुए महागठबंधन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को गढ़वा रंका विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने के लिए यह सीट झामुमो को दिया है। सर्वप्रथम इस विश्वास के लिए झामुमो के हमारे केंद्रीय नेतृत्व और महागठबंधन के सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे। और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आयोजित करने का कि नामांकन की तिथि 11 नवंबर दिन सोमवार को निर्धारित किया गया है। नामांकन के लिए रामा साहू के मैदान से 10 बजे हमारे प्रत्याशी के नेतृत्व में एक शोभा यात्रा के माध्यम से मझिया मोड़ मेन रोड होते हुए गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान तक सभा आकर अपना जो वक्ता होंगे वो अपना वक्तव्य रखेंगे। हमारे प्रत्याशी समरणालय जाकर नामांकन भरेंगे। तो इस नामांकन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता कार्यकर्ता को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी सादर आमंत्रित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपके आदर्श सम्मान के साथ गठबंधन के इस जो गठबंधन धर्म है उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा निभाएगी और गढ़वा रंका विधानसभा में हम लोग मजबूती से मिलकर जो झारखंड विरोधी ताकत है, जो गढ़वा विधानसभा का विनाश करने के लिए तुली हुई है, उसको हम लोग हराने का काम करेंगे। अतः ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी गठबंधन के नेता कार्यकर्ता इस नामांकन में सम्मिलित हो, उनके लिए इस माध्यम से हम निमंत्रण भी देना चाहेंगे। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस गढ़वा विधानसभा के लिए आपकी जो गठबंधन है वो क्या सफल हो पाएगी? बिल्कुल, गढ़वा विधानसभा को देखा जाए तो 2014 में हमारे प्रत्याशी श्री मिथिलेश ठाकुर जी 350% वोट परसेंट को बढ़ाते हुए 47,000 से ऊपर वोट पाए थे और आज उनकी लोकप्रियता की वजह से गढ़वा विधानसभा में बदलाव की लहर है और जो लोग गुमराह करके किसी दूसरे की चेहरा को दिखाकर जनता से एक बार और मौका मांगा था, उनको इस बार सबक सिखाएगी जनता। और अगर काम पर भरोसा होता तो फिर भाजपा को किसको टिकट दे इसके लिए मत्था पिची नहीं करना पड़ता। वो अपने वही उम्मीदवार को दोबारा यहाँ भेजने के लिए समय नहीं लेते, बल्कि अभी उम्मीदवारी तय कर लिए होते। लेकिन ये जो मत्थापेची चल रही है, ये कहीं ना कहीं इसलिए भी चल रही है क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे जो विधायक रहे हैं। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।